कि कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अस्सलातो तो अस्सलाम से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अस्सला तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सला तो अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अस्सला तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सला तो अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। उसका मतलब है दो क़िबलों वाली मस्जिद, पहले बैतुल मुक़द्दस था, फिर मुसलमानों का क़िबला खाने काबा हुआ। नमाज असल के दौरान का वाक़िया है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वही नाज़िल फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो फ़र्ज़ पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ अदा किए थे, अगले दो फ़र्ज़ दौरान नमाज खाने काबा की तरफ रुख करके अदा किए, और तमाम सहाबा किराम ने बिला छू चला उनके फ़ौरन नक्श कदम पे चलते हुए अपने अपने रुख जो है वो तब्दील कर लिए। कि हुक्म खुदा का तुमको भी आए, बीच में क़िबला बदला जाए, ऐसी नमाज एक पढ़ के दिखाओ, फिर कहना हम जैसे थे। कंकर से कलमा पढ़वाओ, फिर कहना हम जैसे थे। डूबे सूरज को लौटाओ, फिर कहना हम जैसे थे। अस्सला तो अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।